नमस्कार, जगदीशपुर प्रखंड के सैनो पंचायत में मौजूद हूं मैं और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मेरे साथ हैं रवि कुमार यादव उर्फ लड्डू यादव। इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, मुखिया के प्रत्याशी हैं, प्रबल दावेदार हैं। इनसे बात करेंगे कि अपने कार्यकाल में ये किस प्रकार से विकास करेंगे, इस बार चुनाव ये किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं और इनके मन में आखिर क्या आया जो इस बार ये अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले रवि जी, आपका स्वागत है सिल्क टीवी पर। स्वागत है सर। ये जानना चाहेंगे कि आप पिछले 5 साल से लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपको मुखिया चुनाव में उतरना है या फिर चुनावी मैदान में आना है, चुनाव लड़ना है, इन बातों की भनक, इन बातों की प्लानिंग 5 साल पहले से थी, इन बातों को लेकर आपने 5 साल पहले से सोच रखा था? हाँ, सोच रखे थे, चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने का इस कारण से आप पिछले 5 साल से लगातार जनसेवा कर रहे थे, जन सरोकार में थे, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव लड़ने का? आप क्या विकास करना चाहेंगे? आप किन मुद्दों पर अपने वोटरों से वोट मांगेंगे? मुद्दा यही रहेगा, 7 निश्चय का जो गली नली का योजना है उस पर काम करूँगा, जल नल का जैसे योजना है उस पर काम करूँगा, और मैं 10 वार्ड से मैं बैठ करके जो भी समस्याएं होगी मैं बड़े बुजुर्ग नौजवान के साथ रहूँगा और विकास के कार्य में आगे बढ़ूँगा। आपने 1-2 योजना का नाम लिया, वैसे तो सरकार ग्रामीण स्तर पर विकास के लिए बहुत सारी योजनाएँ लाती हैं, पर जहाँ तक ग्रामीण स्तर पर विकास की जिम्मेदारी मुखिया, वार्ड, पार्षद इन लोगों की होती है, विकास उस हद तक हो नहीं पाता। आपको क्या लगता है सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपके क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से सफल हुई और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो विफल रही? हम तो देख रहे हैं कि 7 निश्चय का जो कार्य चला वो सफल रहना चाहिए था लेकिन नहीं रहा। जहाँ तक पहुँचना था पानी वहाँ नहीं पहुँचा, जहाँ गली नली पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचा। मैं देख रहा हूं, मैं घूम रहा हूं गली नली क्या दशा है। मैं मुखिया पद पे जब रहूंगा तब मैं उस सबका कार्य को पूरा करूंगा। इस बार आप अपना किस्मत आजमा रहे हैं, 1-2 कुछ ऐसा विकास कार्य आप बताइए जिस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, किसी ऐसे क्षेत्र में, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी में से कोई 1-2 बताएं आप जिस पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, जिस पर आप ज़्यादा विकास करेंगे। विकास जैसे शिक्षा का रहा, अभी तो यहाँ मैट्रिक तक नहीं हुआ है, मैं वो स्कूल भी लाने का वादा करूँगा, समाज को लेकर के, वार्ड को लेकर के, नौजवान को साथ रखूँगा और आगे तक पहुँचूँगा। 10 वार्ड आपने बताया कि आपके पंचायत में 10 वार्ड है, क्या लगता है आपको पुराने जो आपके जनप्रतिनिधि थे, आप भी वोटर हैं इस क्षेत्र के, आपने भी वोट किया होगा, वो अपने कार्य पर, अपने काम पर खरे उतरे, जैसा वादा उन्होंने किया था, जैसा जनता ने सोचा था विकास को लेकर, क्या पुराने जनप्रतिनिधि ने उसे पूरा किया? नहीं, वो तो नहीं झलक रहा है क्योंकि जनता ही बोल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, गांव के हैं, पंचायत के हैं, उसके बाद देखते हैं कि विकास नहीं हुआ है। जो आपके वर्तमान मुखिया हैं वो पिछले 2 रीजन से मुखिया हैं इस पंचायत के, ये उनका दूसरा टर्म था, और 2 रीजन 10 वर्ष एक काफ़ी लंबा समय होता है किसी भी छोटे से पंचायत में विकास करने के लिए, या सड़क, नाला, पानी, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए, निर्माण कराने के लिए 10 वर्ष एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है। क्या लगता है आपको 5 वर्ष के बाद वोटरों को समझ जाना चाहिए था या फिर वोटरों ने गलती कर दिया? वोटरों ने जो भी गलती क्या करेगा, पंचायत चुनाव है, ये छोटा सा क्षेत्र पड़ता है और किसी को न किसी को वोटर वोट दे ही देते हैं लेकिन वादा करते हैं उसको नहीं निभा सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, बोलते हैं कि हम गली बनवा देंगे, नली बनवा देंगे, तो फिर नहीं दिखते हैं, इसलिए जनता में पूरा आक्रोशित हो गया है। बदलाव होना ही है। हाँ, जनता आक्रोशित है। आपके साथ आपके चुनाव प्रचार में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा शामिल हैं, आप अपने वोटरों से, युवा वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे मतदान के मुद्दे पर या फिर चुनाव के मुद्दे पर? युवाओं से मैं अपील करूँगा कि युवाओं को जो भी रोजगार तो नहीं, जो भी जैसे मुद्दा है, जैसे शिक्षा का बात हुआ, जैसे खेलकूद का बात हुआ, तो मैं उसमें आगे बढ़ के काम करूँगा। आपको क्या लगता है आपके समाज के जो युवा हैं अधिकतर वो आपके साथ हैं या फिर आपके विपक्षी या विरोधी के साथ हैं? नहीं, सारे युवाएं हमारे साथ हैं।
एक चीज देखने को मिलता है लड्डू जी कि पंचायत चुनाव जो ग्रामीण स्तर पर होता है इसमें कहीं ना कहीं वोट जाति और समुदाय को देखकर बढ़ जाता है, या नहीं तो छोटा मोटा जलसा पार्टी दारू मुर्गा इन सभी चीज़ों को देखकर भी वोट का बंटवारा होता है, बहुत हद तक बंदरवांट होता है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है, क्या जाति समुदाय इन सभी चीज़ को देखकर वोटर वोट करते हैं या फिर विकासशील कैंडिडेट को देखकर? विकासशील कैंडिडेट को देखकर के वोट करते हैं। तो दारू मुर्गा या फिर जाति समुदाय इन सभी चीज़ों का कोई लेन देन चुनाव में नहीं है? जो खाने पीने का बात रहा, जैसे को कुछ लोग बिकाऊ होते हैं, बिक जाते हैं, गलत जगह वोट करते हैं, वैसे सारे लोग नहीं हैं, जो भी हैं सही लोग हैं, युवाएं साथ हैं, बुजुर्ग साथ हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। पंचायत चुनाव में बहुत हद तक जो खेल होता है वो होता है युवाओं का, युवा यदि आपके साथ हैं, युवाओं की टोली यदि आपके साथ है तो इस बात को माना जाता है कि कहीं ना कहीं आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। आने वाला 5 साल आपने कैसा सोच के रखा है अपना, किस प्रकार से आप अपना कार्य करेंगे, किस प्रकार से आपकी कार्यशैली रहेगी, क्योंकि आप गांव में रहते हैं, गांव में ही रहेंगे, आपका क्या प्लान है 5 साल का? 5 साल का प्लान यही है कि बनने के बाद 5 साल युवा बुजुर्ग जो भी होगा मैं उन सबों के साथ बैठूंगा जो कि यहाँ देहाती क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादा किसान खेती का काम करते हैं, जो कि नाला हुआ, पुल पुलिया हुआ, जहाँ तक नहीं है वहाँ तक मैं पहुँचाने का वादा करता हूँ और करूँगा। जहाँ तक सरकार की योजनाओं का बात होता है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया द्वारा किए गए कामों को भी देखा जाए तो महिलाओं को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। आपने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या सोच कर रखा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कोई समाज उतना ही तरक्की करता है जितना उस समाज की महिलाएं तरक्की करती है। यदि 10 लोग समाज में रहते हैं और 5 मर्द कमाने जाते हैं और 5 महिला घर पर रहती है तो वो समाज आधा तरक्की ही कर रहा है, 10ों कमाने जाए 10ों काम करे तो समाज पूरा तरक्की करता है, मेरा ये मानना है। आप क्या इस मुद्दे पर कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए कुछ विशेष? महिलाओं के लिए मैं विशेष क्या कहूँगा, क्योंकि इसमें तो महिलाओं के लिए कोई रोजी रोजगार तो है नहीं जो कि कम होगा। नहीं, महिला वोटर है आपकी, आपके समाज में तो पुरुष महिला दोनों है तो महिला भी वोटर है आपकी। जैसे आपने युवाओं के लिए बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में हम ध्यान देंगे, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी तो आप कुछ सोच रखा होगा आपने। गृह उद्योग के लिए जैसे सरकारी फंड से जो भी होगा, सिलाई मशीन, कढ़ाई बुनाई, जहाँ तक भी होगा मैं हर एक संभव में साथ रहूँगा महिलाओं के साथ। गृह उद्योग को आप बढ़ावा देंगे। 29 तारीख को चुनाव होने वाला है, 29 तारीख को चुनाव होने वाला है पंचायत में जगदीशपुर प्रखंड में, और 2 या 1 तारीख को रिजल्ट आने वाला है जिसके बाद पता चलेगा कि कौन से उम्मीदवार ने जीत हासिल की है और कौन से उम्मीदवार हार गए। हमारे साथ थे रवि कुमार यादव, इन्होंने अपने चुनावी मुद्दे पर बात की, हमें बताया और हम आप तक इन सभी बातों को पहुँचा रहे हैं। लगातार हम ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, हर एक प्रत्याशी से मिलेंगे, आपको उनके मुद्दे बताएंगे, वोटरों के बाद के मुद्दे बताएंगे और टोटल ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हुआ है, किस प्रकार से घोटाला हुआ है, किस प्रकार से खाना पूर्ति किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर भी हम लगातार ध्यान देंगे। एक सवाल अंतिम में आपसे जानना चाहेंगे जो बहुत अहम है, मुखिया बनने के बाद, वार्ड पार्षद बनने के बाद किसी भी प्रकार के काम को लेकर यदि ग्रामीण जाते हैं अपने जनप्रतिनिधि के पास, राशन कार्ड बनवाना हो, वृद्धा पेंशन बनवाना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी किसी भी योजनाओं का लाभ लेना हो तो बिचौलियों को, दलालों को कमीशन देना पड़ता है, ये हर पंचायत क्षेत्र की स्थिति है। आपका क्या कहना है, यदि आप कल मुखिया बनते हैं, आपको आपकी जनता चुनती है, तो क्या बिचौलियों का जो सिनेरियो है ये खत्म होगा या फिर आप भी उसी जाल में फंस जाएंगे? मैं अपने ढंग से काम करूंगा, किसी बिचौलिए के साथ नहीं रहूंगा, जो सही उसका बनता है, जैसे इंदिरा आवास हुआ, मैं उनसे कुछ नहीं लूँगा, मैं जो ये सब अफसर सबको भी घूस घास देने का काम करता है मैं वो सब नहीं करूँगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप रहेंगे अपने पूरे 5 साल के कार्य? हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये थे रवि कुमार यादव, इन्होंने बताया कि ये किस प्रकार से आने वाले 5 साल में अपने कार्य को अंजाम देंगे। हम पूरे ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, आपको सारी सच्चाई, विकास की सारी हकीकत दिखाएंगे। यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सत्यम, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ।